फ्रेंड्स, खाने का शौकीन आपको लेके पहुंचा उज्जैन के सबसे फेमस मसाला डोसा पॉइंट पे। मात्र 50 रुपए में ये मसाला डोसा यहाँ पे मिलता है, तो आइए मिलते ये साउथ इंडियन डोसा वाले से। महाराज नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है महाराज आपका? गोपाल भूरा। तो भैया, आपका उज्जैन में पूरा मसाला डोसा अभी फेमस हो चुका है। जी सर, उज्जैन में जब भी डोसा खाने की बात होती है तो आपका ही नाम निकलता है, तो ऐसा क्या कर रहे हो ये डोसा में आपने, या दीवाना कर दिया है उज्जैन के लोगों को? क्वालिटी देते हैं सर। कौन कौन से डोसे बनते हैं महाराज आपके? मसाला डोसा है, पनीर डोसा है, चीज डोसा है, मैसूर डोसा है, रबड़ डोसा है, अच्छा सेजवान डोसा है। ये कौन सा डोसा बना रहे हो? ये मसाला डोसा। मसाला डोसा, तो इतना बड़ा भैया ने तवा बना के रखा है, लगभग कितने डोसे बैठ जाएगी ये तवा पे? 11 डोसे। 11 बैठते हैं, तो ठीक है, अभी 11 डोसे अपने लगने जा रहे हैं। पूरे लाइन से यहाँ पे डोसे बन चुके अपने, उसके बाद क्या आएगा महाराज? मसाला डालेगा। मसाला डालेगा, मसाला डालना स्टार्ट हो चुका है। शॉप कितने बजे खुलता है आपका? 11 बजे। और कितने बजे तक चलता है? रात को 11। लोकेशन क्या आपका? फ्रीगन टावर चौपाटी, गीतांजलि जिम के नीचे। इसके साथ क्या क्या आएगा? सांबर और सांबर आएगा, चटनी आएगी, ग्रीन चटनी आएगी। अच्छा, ये वाला सांबर है? ये सांबर, ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी, धनिया पुदीना हरी मिर्ची। और इस साइड में महाराज कोकोनट चटनी ना? कोकोनट चटनी। ये क्या चाहिए? ये चीज डोसा बन रही है। अच्छा, ये चीज डोसा बन रहा है। देखते कैसी प्लेट लगती है इनकी। ये जो तरक्की आज देख रहे हैं, इसका सफर कैसा रहा महाराज? पहले भलपुरी बेचता था, उसके बाद मैंने बर्फ का गोले चालू करे। बर्फ का गोले चालू करने के बाद, बर्फ का गोले बंद करने के बाद साउथ इंडियन चालू करा। मेरी जिंदगी हो गई ठेले लाइन में ही। 8 साल का था जब से ठेले लाइन में हूँ मैं। इसका डोसा ट्राई करते हैं। एक पेपर डोसा देना है आपको। चलिए, अपने डोसा लग के तैयार हो चुका है। देखिए, तो चलिए अपने डोसे लग चुके हैं। देखिए, एक हमने लिया है पेपर डोसा और एक मसाला डोसा और एक इनका जो स्पेशल होता है ना यहाँ पे, देखिए चीज़, बटर, मसाला वगैरह, ये डोसा लिया है हमने। देखिए, साथ में ढेर सारी ग्रीन चटनी, सांभर और ये कोकोनट चटनी। टेस्ट करते और बताते आपको। बिल्कुल अंदर एकदम क्रंची क्रंची हो रहा है भाई। और भाई इनका चटनी उटनी बहुत बढ़िया, सांभर वगैरह। चलिए, इसका भी एक बाइट लगाते हैं, मसाला डोसे का। देखिए, एकदम आप आराम से ऐसे इसको पकड़ के वेपल के साथ खा सकते हैं। मसालों का अच्छे से ब्लास्टिंग हो रहा है भाई अंदर। भाई उज्जैन में आप जब भी आ रहे हो ना, और आपका अगर ऐसा डोसा खाना है बढ़िया सा, तो आप आइए यहाँ पे श्री साई सम्राट डोसा सेंटर पे। ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको उज्जैन के MP के ऐसे नए स्ट्रीट फूड में। तब तक के लिए खाते रहिए, पीते रहिए, इंजॉय कीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो कर देना। टाटा, बाय बाय।